हेलो स्टूडेंट्स, स्पीकिंग पार्ट वन का टॉपिक है फिशिंग। सो व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग यानी मछली पकड़ना, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये क्यों किया जाता है? कभी कभी ये जीवन चलाने के लिए यानी प्रोफेशन है। कुछ लोग जो मछुआरे होते हैं वो फिशिंग करते हैं और वो मछलियों को पकड़ के बेचते हैं। कुछ लोग फिशिंग को एज अ हॉबी करते हैं और कुछ लोग फिशिंग को एज अ स्पोर्ट भी करते हैं। सो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स का टॉपिक पूछा जाए, उसमें भी आप फिशिंग से जुड़े क्वेश्चंस समझ के या फिशिंग से जुड़े कुछ भी सेंटेंसेस यहाँ से पिक करके वाटर स्पोर्ट्स में भी बोल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए फिशिंग के टॉपिक को लेके, वो है फिशिंग नेट, फिशिंग रॉड, फिश फूड, हुक, फिशरमैन, डीप सी फिशिंग, फ्रेश वाटर फिशिंग, एक्वेटिक एक्सेट्रा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा और फिशिंग पे पढ़ ले, ताकि आपकी फिशिंग से रिलेटेड थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ जाए और आप आसानी से फ्री फ्लो में फिशिंग के बारे में बात कर सके। तो चलिए अब देखते हैं फिशिंग से जुड़े हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पार्ट वन में पूछे जा सकते हैं। डू यू लाइक टू डू फिशिंग? क्या आपको फिशिंग करना पसंद है? आई हैव नेवर डन फिशिंग, बट द आइडिया ऑफ फिशिंग सीम्स इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू मी, सो आई गेस यस I will say I like to do fishing. मैंने कभी फिशिंग नहीं किया है, लेकिन फिशिंग करने का जो आइडिया है वो बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे शायद फिशिंग करना अच्छा लगेगा। अगर आपने कभी फिशिंग किया है तो आप बोल सकते हो कि जी हाँ, मैंने फिशिंग किया है और मुझे फिशिंग करना बहुत अच्छा लगता है। Why do people go fishing? लोग फिशिंग क्यों करते हैं? Well, I think most people go fishing to make a living. But many people also do fishing as a sport, as a hobby, or as a pastime activity. So there may be various reasons that people may go fishing. Well, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग फिशिंग अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, यानी जो मछुआरों की मैंने आपको बात की। But बहुत सारे लोग फिशिंग को एज अ स्पोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग एज अ हॉबी फिशिंग करते हैं और कुछ लोग पास्टाइम की प्रक्रिया या एक्टिविटी के रूप में फिशिंग को करते हैं। सो कोई इंसान फिशिंग क्यों करता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डू यू लाइक टू ईट फिश? क्या आपको फिश खाना पसंद है? नाउ देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, या तो आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो पहला ऑप्शन है, आई एम अ वेजिटेरियन बट येस आई हैव टेस्टेड फिश वंस एंड आई लाइक्ड इट, हाउएवर सिंस द टेस्ट वॉज न्यू फॉर मी इट नीड्स टू बी डेवलप्ड, सो आई एम नॉट रियली वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फिश एज आई हैवंट एक्सप्लोर्ड इट मच। मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिश को टेस्ट ज़रूर किया है और मुझे अच्छी लगी थी। फिर भी फिश का टेस्ट मेरे लिए नया है और उसे डेवलप करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मैंने इस टेस्ट को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं फिश को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। दूसरा जवाब है, ओ येस, फिश इज़ माई फेवरेट, इट इज़ अ डेलिकसी विच वी रेलिश। सम ऑफ माई फेवरेट फिशेज आर श्रिम्स, टूना एंड सैल्मन। ओ येस, फिश मेरा मनपसंद खाना है। ये एक स्वादिष्ट व्यंजन है जो हम रस भर के खाते हैं। रेलिश करना यानी उसको चाह के खाना। मेरी कुछ फेवरेट फिशेज है श्रिम्स, टूना और सालमन। इसके अलावा भी अगर आपका कोई फेवरेट फिश फूड है, कोई फिश का डिश है, तो आप उसको बोल के उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। इज फिशिंग पॉपुलर इन योर कंट्री? क्या आपके कंट्री में फिशिंग पॉपुलर है, फेमस है? Not really as a sport or a hobby, but in many parts of my country where fishing is the source of livelihood for people, it is a popular profession. Otherwise, as a sport or a recreational activity, fishing is not very popular in my country. मेरे कंट्री में फिशिंग स्पोर्ट या तो हॉबी के रूप में फेमस नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स में मेरे कंट्री में जहाँ पे फिशिंग को जीवन चलाने के लिए किया जाता है, कुछ मछुआरे जो फिशिंग करके उस फिश को बेच के अपना घर चलाते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर व्यवसाय के रूप में इसे किया जाता है। और स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के लिए मेरे देश में फिशिंग बहुत पॉपुलर नहीं है। डू यू थिंक The aquatic life is in danger because of pollution? क्या आपको लगता है कि पानी के अंदर जो भी जीवन है वो मुसीबत में है, क्योंकि पानी में प्रदूषण हो रहा है, water pollution हो रहा है? Yes, I think it is true. There is lots of water pollution which is a matter of concern for the marine animals. Clear water is essential for their health and survival.
many aquatic animals are dying due to pollution. जी हाँ, ये सच बात है। बहुत सारा पानी का प्रदूषण है जो मरीन एनिमल्स यानी पानी के अंदर जो प्राणी रहते हैं, फिश है या कोई भी और, टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है, उनके लिए, उनकी जान के लिए खतरा है। क्लियर वाटर जो है, स्वच्छ पानी जो है, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स पॉल्यूशन जो है पानी में, उसकी वजह से मर रहे हैं। सो इसके अलावा आप बहुत सारे और आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स फिशिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, ताकि आप इसका आसानी से जवाब दे सके। ऑल द बेस्ट।